वो नजर आया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से बहुत सारी गलतियां की, बट ओवरऑल अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छे से कंट्रोल किया, स्टार्ट अच्छा था, रन ज्यादा नहीं बना पाए, उसको भी डिफेंड किया। देखिए मौका ऑस्ट्रेलियन टीम ने खुद दिया, जैसे टॉस जीता, बॉलिंग किया, दो मैच अफगानिस्तान हारी हुई थी, पहले बैटिंग करते हुए और जो भी टीम टॉस जीती थी बैटिंग करती थी, इनको फील्डिंग का चेज करवाती थी, उसमें वो फंसते थे और अंडर प्रेशर भी लगे हैं। देखिए जहाँ पे मैच हुआ है वहाँ पे एक तो विकेट हमने देखी, पिच इतना ईजी नहीं था बैटर्स के लिए, थोड़ा स्पंजी बाउंस भी था। आप देखिए पहला बॉल एसर एगा ने किया, कितना ब्रेक हुआ है, तो चांस लिया। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कप्तान, करते हैं दिलेरी के साथ डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे रहमतुल्लाह गुरबाज़ की मैं पहले से बात करता हूँ, जब ये रन करता है तो एक डिसेंट टोटल बनता है, फिर इनकी बॉलिंग को मौका मिलता है डिफेंड करने का, आउट करने का, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त। फिर दूसरी चीज, गुलबदीन को जैसे बॉलिंग करवाई है, आप देखिए कितने बॉलर्स उन्होंने यूटिलाइज की हैं, किसी ने सिवाय नवीन के अलावा यार राशिद ने चार ओवर, बाकियों को एक एक दो दो ओवर करवाए हुए हैं। टीम कंप्लीट बैलेंस अब नजर आने लगा है। पहले तो हम हमेशा कहते थे नंबर वन स्पिनिंग साइड इन द वर्ल्ड, अब उनके फास्ट बॉलर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्पिनर्स को, बैटिंग फेयरलेस खेल रही है। ये अब तीसरा मैच हो गया जो 100 प्लस की पार्टनरशिप है इनकी, तो दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। तो कोच नजर आया ना कि उसने क्या प्लान दिया, अगर आप 6 ओवर देख लें आज, जिस तरह बैटिंग हो रही थी, जिस तरह बॉलिंग हो रही थी, बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्रिकेट के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा था बैट्समैनों को, वहाँ पे मैसेज आता है और वहीं से रहमतुल्लाह ने निकल के मारना शुरू कर दिया। तो बाहर जो बैठे हुए मैनेजमेंट वाले उनका वो भी इन्वॉल्व हैं, तो हमारे यहाँ क्यों ये चीज़ नहीं होती है? क्रेडिट अफगानिस्तान को देना पड़ेगा, पिछला जो वर्ल्ड कप था 2022 का, एडिलेड में इनका मैच हुआ था, सिर्फ 4 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत पाया था। ऑस्ट्रेलिया को कोई 15-18 रन से जीतना था अगले राउंड में जाने के लिए, लेकिन सिर्फ 4 रन से जीत सका था। ओडीआई वर्ल्ड कप में बड़ी मुश्किल से मैक्सवेल की एक हिस्टोरिक इनिंग थी जिसकी वजह से वो जीते। देखो अगर पाकिस्तान कभी गलती से हिंदुस्तान को हरा दे वो भी उतना बड़ा मोमेंट नहीं है जितना बड़ा मोमेंट ये है। अफगानिस्तान क्रिकेट ने आज एशियंस का नाम रोशन कर दिया और एशियन टाइगर्स, मैं इनको नया नाम देता हूं एशियन टाइगर्स, अफगानिस्तान के एशियन टाइगर्स, एशियन शेर, इन मर्द के बच्चों ने आज अंग्रेजों को बता दिया कि बेटा ये पीली जर्सी वालों, इंडिया तो तुमको बाद में निपटेगा, पहले तुम जरा हमसे तो निपट लो। ये जो बदतमीज ऑस्ट्रेलियंस है ना, ऑन अ सीरियस नोट, इनके आप अगर आप देखते हो जैसे वो रहमानुल्लाह गुरबाज़ को आउट करके मार्कस स्टोइनिस यूं कर रहा था, उसका रिएक्शन मिला उसी टाइम पर, रिएक्शन मिला उसी मैच में, ज्यादा देर नहीं लगी, रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने पैट कमिंस और अपना वो मार्कस स्टोइनिस को उसी टाइम पे इशारा किया जैसे वो पिच में आके जा। तो मार्कस ने कहता है भाई अभी तो आया हूँ, थोड़ा बैटिंग तो कर लेने दो, थोड़ा सा यू नो कुछ ना कुछ तो कर लेने दो। लेकिन ये अफगानिस्तान की टीम होना सीरियस नोट, ये कोई अलग ही चीज बन के निकली है। ये अफगानिस्तान की टीम हमने जिंदगी में कभी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं देखी और फास्टेस्ट एवर ग्रोइंग अप कंट्री है ये अफगानिस्तान। ओ घंटे तू क्यों नहीं कुछ कर रहा? आज अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। जिम्बू जिसको तू बायलैटरल सीरीज में भी नहीं ना हरा सकता, जिस ऑस्ट्रेलिया को तू अपने घर में भी नहीं ना हरा सकता, उस ऑस्ट्रेलिया को आज अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में पेल दिया है। और बता के पहला दिस इज द ब्यूटी ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट। अफगानिस्तान भाईजान पाकिस्तान से बेहतर हो चुका हुआ है, अफगानिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट से बेहतर हो चुकी हुई है। अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है इंडिया जीत गया और अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया तो इंडिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएंगे। दूसरे ग्रुप में से वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में से कोई आ सकता है। तो जनाब ये जो हो रहा है ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है। अफगानिस्तान ने वो करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया जनाब, बाहर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो गयो, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया। समझो इंडिया नहीं छोड़ेगी, इंडिया इस ऑस्ट्रेलियन टीम से हारेगी। जो अफगानिस्तान से लड़ नहीं पा रहे इंडिया इस ऑस्ट्रेलियन टीम से हारेगी। आप देखना इंडिया इनको कैसे पेलेगी। लेकिन भाई सबसे पहले तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। आज आपने जो एग्रेशन देखा, जो जज्बा देखा, जो जुनून देखा अफगानिस्तान के प्लेयर्स के अंदर, कितने खुश हुए हुए थे ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ये वो ऑस्ट्रेलियंस हैं जिन्होंने दो दफा अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलने से मना किया था। खाली अफगानिस्तान आज क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा था, अफगानिस्तान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेल रहा था, अफगानिस्तान अपने मुल्क की इज्जत के लिए खेल रहा था। देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट की बात करें, अफगानिस्तान में